बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडों के सालन की रेसिपी। ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। अंडों का सालन बेसिकली कई तरीके से बनाया जाता है, तो एक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मैं इसकी और रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। अंडों का सालन बनाने के लिए अंडे लिए हैं मैंने 6 अदद, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। साथ ही इसके अंदर प्याज ली है मैंने स्लाइस की हुई 1 लार्ज साइज़ की। टोमेटोज लिए हैं मैंने 2 लार्ज साइज़ के, इनके स्किन उतार के और छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। मसालों में जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। ऑयल जाएगा इसके अंदर 1/2 कप, हरा धनिया 2 टेबल स्पून और 3 हरी मिर्चें चॉप करके मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले एक वॉक के अंदर ऑयल को गरम कर लेंगे। और इसके अंदर हम प्याज को हल्का सा सॉटे कर लेंगे, सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करना है, इसको गोल्डन नहीं करना है। अनियन को हल्का सा सॉटे कर लिया है मैंने, आप देख लीजिए सिर्फ इसका रंग हल्का सा ट्रांसलूसेंट हुआ है। इसको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट देना है इसको। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर और साथ ही इसके अंदर मैं गरम मसाले के अलावा तमाम मसाले शामिल कर दूंगी। टमाटरों के साथ ही मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, क्योंकि टमाटर ऑयल में जाते ही पानी रिलीज करना शुरू कर देंगे, उसी पानी में मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा। तो इसे 2 मिनट के लिए तेज आंच के ऊपर मैं भून रही हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटरों को तेज आंच के ऊपर मैंने 1 मिनट भून लिया है, इससे पानी भी रिलीज होने लगा है, ये थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसी वक्त मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं मसालों के लहसुन डालना भूल गई थी, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये भी तमाम मसालों के साथ ही भुन जाए। अब टमाटरों को मैंने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाएं और इसके अंदर जो पानी है वो तमाम का तमाम अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर कवर करके 3 से 4 मिनट पका लूँगी। तो 2-3 मिनट तकरीबन टमाटरों को भूनते हुए हो गए हैं, पानी इनका तकरीबन खुश्क हो गया है और ये गले हुए हो गए हैं। मैं तेज़ आंच करके इस तरीके से दबा दबा के जो थोड़े बहुत रह गए हैं मैश होने से उन्हें भी पेस्ट की तरह कर लेती हूँ दबा के, और बस इतनी देर में ही इसके अंदर पानी खुश्क हो जाएगा। तो मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इस वक्त इसके अंदर मैं ये तमाम अंडे शामिल कर दूंगी, आप इन्हें तोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर इसी वक्त चला जाएगा ये गरम मसाला, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरा धनिया, साथ ही मैं इसके अंदर लंबी काट के हरी मिर्चें डाल दूंगी। हरी मिर्चें आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए। और इसी तरीके से आप इसके अंदर सॉल्ट भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर 2 हरी मिर्चें चली गई, मैं 2 ही डाल रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, आप बनाएंगे आपको यकीनन पसंद आएगी। ये साबुत अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप इन्हें सर्व करने तक साबुत ही रहने दें ताकि सालन की जो शक्ल है वो ख़राब ना हो। लेकिन अगर आप थोड़े से मिकदार में बना रहे हैं तो फिर आप बेशक इन्हें पहली दफ़ा में ही काट के डाल सकते हैं। तो मैं स्टोव जो है वो बिल्कुल स्लो पे कर रही हूँ और इसको कवर करके सिर्फ 1 मिनट के लिए
दम पे रखूंगी एक दो मिनट के लिए और फिर उसके बाद मैं सर्व करके आपको दिखाऊंगी। तो मज़ेदार अंडों का सालन बिल्कुल रेडी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटर्न रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मेरा एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स में मुझसे शेयर करते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।